आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे पूछा गया है बहुलक हमें दिया गया है और इसकी एकलक इकाई पूछी गई है, तो वो क्या होगी? इसके लिए सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखेंगे, बी को देखेंगे, सी को देखेंगे और डी को देखेंगे। यहाँ पर तो ऑप्शन ए को आप जब देखते हो यहाँ से, ये आपके पास क्या है, सी एच टू समूह है और आपके यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, सी एच थ्री, और आपका ये क्या जुड़ रहा है, सी एच थ्री होता है। इसके हम ये क्या लेते हैं, एन इकाई ले लेते हैं और इसका हम क्या करा देते हैं, बहुलीकरण करा देते हैं। जैसे ही हम बहुलीकरण कराएंगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से इस तरह की इकाई मिलेगी आपको, इस तरह की आपको इकाई मिलेगी। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे कुछ और भी मोल रहे हों, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अन्य मोल यदि यहाँ पर जोड़े हम, तो सी एच टू आपका यहाँ पर, सी सी एच थ्री, और यहाँ तो एन आएगा ही सही आपका, यहाँ पर आपका सी एच थ्री, सी एच थ्री, और यहाँ पर आपने एक और मोल ले लिया, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा, यानी इस तरह का आपके एन मोल होंगे तो इस तरह से बनेगा ये हमारा। जबकि आप बी ऑप्शन से लेते हो, ये तो आपको ए ऑप्शन से मिला, आप बी ऑप्शन से लोगे तो किस तरह से मिलेगा, आपका क्या ही है, सी एच थ्री है और ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। इससे आप जब बनाते हो तो किस तरह से बनेगा, इसका बहुलीकरण कराओगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ से सी एच थ्री और ये आपका इस तरह से, यानी इस तरह से मिलेगा आपको। देन सी ऑप्शन में आप देखते हो तो सी ऑप्शन आपका इस तरह से, यानी यहाँ पर आपका सी एच थ्री जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अभी आपका सी एच थ्री जुड़ा हुआ है, इसका आप बहुलीकरण कराते हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपका, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर, यानी इसके आप n यूनिट ले रहे हो, तो यानी आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से इस तरह से बन जाएगा, यानी इस बंद को यहाँ से तोड़ो इधर की तरफ, ये बंद तोड़ो इधर की तरफ, इसी तरह से आपकी अगली यूनिट भी आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ से आपका इस तरह का बनेगा। इसी तरह डी का आप बनाते हो तो डी ऑप्शन में आप कैसे बनाओगे, आप ले लो एन यहाँ पर यूनिट आपकी, ये आपके क्या है, सी एस थ्री है, यहाँ पर भी आपका क्या है, सी एस थ्री है, यहाँ भी आपका सी एस थ्री है, यहाँ भी आपका सी एस थ्री है। इसका आप जब बहुलीकरण कराओगे आप तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ये बॉन्ड और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका सी एस थ्री, ये आपका सी एस थ्री, ये आपका सी एस थ्री और ये आपका सी एस थ्री। इसी तरह से अन्य इकाइयाँ भी आपकी जुड़ सकती है, इस तरह से आपको मिलेगा। केवल हमारा ऑप्शन जो ए है केवल ही यहाँ पर मैच करता है, तो यहाँ पर जो हमारा एकलक होगा वो केवल हमें ए ऑप्शन से प्राप्त होगा, यही हमारा क्या होगा, एकलक होगा। यहाँ से इसका आईयूपीएसी नाम भी देना चाहो तो आप क्या दोगे इसका, तो यहाँ से नंबरिंग कीजिए आप 1, 2, 3, यहाँ पर आपके पास पे दो पे मेथिल है तो 2 मेथिल एंड 2 मेथिल, यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रोपीन है तो आप क्या लिखोगे, प्रोपीन डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर 1 पर ही है हमारा प्रोपीन, तो 2 मेथिल 1 प्रोपीन है तो इसे लिख दोगे 2 मेथिल प्रोपीन, ये हमारा क्या है, मोनोमर है, और हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए राइट होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।